बिहार के सभी जेलों में एक साथ छापेमारी चली, जिसमें सिवान मंडल कारा में भी लगभग 3 घंटे तक छापेमारी की गई। इस छापेमारी का नेतृत्व सिवान के जिलाधिकारी सुश्री रंजिता और सिवान के एसपी नवीन चंद्र झा कर रहे थे। बताते चले कि आए दिन ऐसी सूचनाएं मिलती रहती है कि जेल में मोबाइल और कई तरह के आपत्तिजनक सामान इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर बिहार के सभी जेलों में छापेमारी हुई। वही सिवान जेल में 3 घंटे तक छापेमारी के बाद एक चाकू, एक लेजर, 4 ब्रांडेड घड़ी और कुछ खैनी और नशीले पदार्थ को जिलाधिकारी द्वारा जब्त किया गया। हालांकि सिवान जेल में इसके पूर्व में भी कई बार छापेमारी की गई, लेकिन सवाल अब भी वही उठता है कि आखिरकार नशीले पदार्थ और खैनी चाकू जेल के अंदर कैसे प्रवेश कर जाता है। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी है उनके सुरक्षा में सेंध है, और इसी को लेकर ये सब नशीली पदार्थ और आपत्तिजनक सामान जेल के अंदर चली जाती है। सिवान मंडल कारा में 3 घंटे तक हुई छापेमारी के बाद जब जिलाधिकारी सुश्री रंजिता बाहर आईं और मीडिया कर्मियों से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जेल का औचक निरीक्षण किया गया था। औचक निरीक्षण के दौरान घड़ियां पाई गई हैं और बेल्ट पाए गए हैं, एक चाकू भी पाया गया है, एक रेजर भी पाया गया है, खैनी की कुछ पुड़िया पाई गई हैं। किन किन वार्डों से मैडम ये वार्ड संख्या बाहर फेंका हुआ मिला हम लोगों को, वार्ड संख्या तो घड़ी वगैरह भी मिला है हम लोगों को, 4 घड़ियां हैं। कंपनी जानना चाह रहे हैं जी, देखिए किस कंपनी का घड़ी अंदर जा रहा है? 4 घड़ियां हैं, कॉस्टोम ऑडी कॉस्मिक्स गोल्ड और कॉस्मिक्स गोल्ड की 2 घड़ियां हैं, ऑडी और कॉस्मिक्स। चाकू किस में व्हाट्सएप? एक चाकू पाया गया है, एक हमारा एकदम खंडहर टाइप का एक बिल्डिंग है, उसके अंदर हम लोगों ने जांच की, कुछ सामान पुराने पड़े हुए थे उसमें चाकू पाया गया। कुछ चूक हो रही है, इनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो ये कर्मी है हमारे, जो जांच कर्मी है, उनको पीछे बताया भी गया था, अभी अलग से भी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कुछ चीज़ें जो है अगर छुपा कर कोई अंदर लेकर चले जाते हैं तो सही तरीके से उसकी जाँच करें, उसके लिए उनको ट्रेनिंग।